वडोदरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग लग गई है। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगी है। ट्रेन में कोई यात्री नहीं था जिस वक्त ये आग लगी। आग किस वजह से लगी अभी तक तो ये नहीं पता चल पाया, लेकिन बड़ी जानकारी आ रही है। वडोदरा में स्टेशन पर ये ट्रेन खड़ी हुई थी। गनीमत ये रही कि ट्रेन में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था। प्लेटफॉर्म पर देखिए कैसे धू धू करके ये ट्रेन जल रही है। शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकता है, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या शुरुआती कारण निकल कर सामने आते हैं। देखिए कैसे खड़ी ट्रेन में आग लग गई और उसके बाद फायर इंजन्स पहुंचे आग बुझाने के लिए, और आग की लपटें ऊंची ऊंची उठती हुई पूरी ट्रेन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ये वडोदरा रेलवे स्टेशन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। धू धू कर जलती हुई ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी, कोई यात्री नहीं था, अच्छी बात यही है। और प्लेटफॉर्म में खड़ी ट्रेन में आग लगी है गुजरात के वडोदरा में। वडोदरा से ये तस्वीरें, वडोदरा का रेलवे स्टेशन। सुबह करीबन 6:30 के आसपास डी कैबिन रेलवे में ट्रैक के ऊपर ही ट्रेन खड़ी थी, खड़ी ट्रेन में फायर हुई थी वैसा कॉल मिला था। फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचा, देखा आग 3 बोगी में लग चुकी थी और बाजू में भी कोई दूसरी ट्रेन थी। उस ट्रेन को वहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया जिससे आग उसमें स्प्रेड ना हो, और वो 3 बोगी की आग को काबू में ले लिया हुआ है। आग लगने का रीज़न या ये चीज़ अभी तक पता नहीं चली है। RPF और वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो सुबह 6:30 बजे के वक्त ये आग लगी वडोदरा रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन में।